लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। बात है देवरिया की, जहां जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा आज बरहज तहसील अंतर्गत मईल में जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आए। राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासन के द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि बरहज तहसील क्षेत्र के कुछ गांव पानी से घिरे हुए हैं, आबादी पूरी तरीके से सुरक्षित है, अभी तक कोई भी जन एवं पशु की हानि नहीं हुई है। परसिया देवार, विष्णुपुर देवार, भदिया अवल, किटवलिया आदि गाँव में राहत कार्य किए जा रहे थे और जन सामान्य को कोई दिक्कत न हो, लगभग एक दर्जन गाँव में आंशिक रूप से पानी लगा हुआ है। प्रशासन का यह प्रयास है कि वहां के नागरिक की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। देखें संवाददाता दिलीप भारती की रिपोर्ट। बरहज तहसील क्षेत्र में है, बरहज तहसील में जो चार गांव विशेष रूप से हैं, वो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। आबादी हमारी सुरक्षित है, कोई जन धन पशु हानि नहीं है सौभाग्यवश व्यवस्थाओं के कारण भी, परंतु इन गाँवों में विशेष रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। परसिया देवार, बिशनपुर देवार, बदला प्रथम, बदला अव्वल, केवटलिया साइड में कुछ गांवों में साइड में भी पानी आया है। करीब एक से दो दर्जन गांव हैं ऐसे जहां पर थोड़ा थोड़ा पानी बाहर पर है। प्रशासन का ये प्रयास है कि वहां पर जो दैनिक आवश्यकता ये चीज़ें हैं वो ना रुकें। बिजली की सप्लाई अभी है वहां पे, इसके साथ साथ जो कोटेदार की सामग्री बांटी है वो भी वहां पर है। हम लोग अब ये भी कर रहे हैं कि जहां पर ज़्यादा दिनों से पानी भरा हुआ है ऐसे चार पाँच गाँवों में, वहां पर राहत सामग्री का वितरण भी हम लोग शुरू करा रहे हैं और कल तक और परसों तक सारा राहत सामग्री का वितरण भी हो जाएगा उन गाँवों में जहाँ आबादी चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। बरहज तहसील में बाबा देवहरा आश्रम के पास में है, आश्रम में 10-15 लोग रहते हैं, वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में सड़क पे भी पानी है, तो वहाँ नावें लगी हुई हैं। जैसा गाँव वासी ने आपको बताया भी होगा कि आश्रम में आने जाने की व्यवस्था भी है, सब लोग सुरक्षित हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि ध्यान रखें इस समय और पानी में जो हमें ये ध्यान रखना है कि 2-3 दिनों की समस्या बची है, तो इस पर अगर हम सतर्क रहेंगे तो सब जैसे सब सुरक्षित है वो अच्छा रहेगा।